रीवा से भोपाल चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में 9 फरवरी की रात गोली चलने के बाद सनसनी फैल गई। गोली कब चली और किसने चलाई इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आरपीएफ की सूचना पर जीआरपी थाना रीवा में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रीवा जीआरपीएफ थाना प्रभारी आरबी ठक्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 फरवरी की रात कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से चलकर रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन सुबह रीवा पहुंची थी, जिसमें देर रात गोली चलने की घटना घटित हुई। सूचना मिलने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई तो ट्रेन की बोगी एसी 1 बर्थ 19 में गोली चलने के सबूत मिले। ट्रेन के उस डिब्बे की बारीकी से जांच की गई, साथ ही फॉरेंसिक की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। पुलिस द्वारा अब रेलवे से यात्रियों की जानकारी सहित अन्य दस्तावेज मांगे गए हैं, जिसके बाद ही उक्त सीट पर सफर करने वाले यात्री सहित गोली चलने के कारणों का पता चल सकेगा। ये घटना तो खैर हमारे लिए आरपीएफ से प्राप्त हुई है कि आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ओझा जी ने हमको और उनके रेलवे के अधिकारी द्वारा हमको मेमो दिया गया है लिखित में कि इस ट्रेन में गोली चली है। फिर हम लोग गए तो वहाँ पर देखा कि उसमें छिद्र था, ठीक है। हम भी लोग गए थे तो हमने भी उसकी फ़ोटो लेकर आप वापस आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करिए, हमारी तरफ से हम फरियादी कर रहे हैं। तो उनको उनके आवेदन के द्वारा हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, फरियादी उनको बनाया है, लेकिन वो उनको भी ये जानकारी नहीं है कि गोली किसने चलाई है। इसकी जांच चल रही है, अपराध पंजीवत जीआरपी थाना रीवा में कर लिया गया है और इसकी विवेचना जारी है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, रेलवे का चार्ट ले लिया जा रहा है, जो भी कार्रवाई होगी वक्त पर जो भी आरोपी होगा उसको आगे हम गिरफ्तार करेंगे। कब की घटना है ट्रेन में? ये ट्रेन अपने यहाँ पर 10 तारीख को सवेरे आई है और कल आरपीएफ द्वारा अपन को मेमो दिया गया है 12185 एक्सप्रेस अमरा वो क्या नाम है रीवांचल एक्सप्रेस जो अपने यहाँ सवेरे 8 बजे आई है वहाँ से चलती है 10:05 पर। और जिस जी अब ये गाड़ी चलती है रानी कमलापति से रीवा के लिए और इसका कोच नंबर है A1 बर्थ नंबर 19 पर। जिस दिन गोली चली उस दिन ट्रेन कहाँ से कहाँ? ये अब ये तो भोपाल से चलती है कमलापति से अपने यहाँ रीवा के लिए आती है। एसी कोच में गोली? हाँ एसी कोच है बर्थ नंबर 19। और कुछ जानकारी मिली? नहीं कोई अभी हादसा है ना कोई घटना नहीं हुई है, खाली सीट पर ही गोली चली है बस। जांच वगैरह फॉरेंसिक जांच वगैरह सब की जा रही है। गोली बरामद? नहीं कोई बरामद ही नहीं हुई उसका, ना कोई खोखा है कुछ भी नहीं है, सीट में छेद ही है, छेद ही है बस। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसकी जाँच कराई जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी होगा वो उस आदमी को अगर अपराध सिद्ध होता है तो आरोपी को पूरा पूरा गिरफ्तार किया जाएगा, चालान न्यायालय पेश किया जाएगा। सील किया गया है? हाँ डिब्बा सील किया था, उसकी जांच हो चुकी है, FSL टीम बुलाकर और डिब्बे को खोल दिया गया है।